Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps Microsoft Excel MS Excel 2010 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, आज के इस lesson के अंदर मैं आपको कुछ Excel के कुछ environment के मुतालिक बताने जा रहा हूं। Environment से ये मुराद है कि जो सेल्स होते हैं उनके अंदर हम कैसे काम करते हैं, डेटा को कैसे टाइप करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने पास एक एक्सेल की फाइल ओपन कर दी है। अब इसके अंदर मैं कुछ टाइपिंग वगैरह कर आपको बताऊंगा। आपको मैं ये बताऊंगा आपके पास एक्टिव सेल कौन सा है, एक्टिव रो कौन सी है, और आप उसके अंदर टाइपिंग कैसे करोगे। फिर उसको कुछ कंट्रोल करना मैं आपको बताऊंगा, माउस के थ्रू बताऊंगा, कुछ कीबोर्ड के थ्रू बताऊंगा, सिलेक्शन का मेथड बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास मेरी एक्सेल की फाइल ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले ये देखना है मेरे पास ये जो ब्लैक बॉर्डर मुझको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास क्या चीज है। या अगर मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं इस जगह पे, ये देखिए मैंने इसको यहां पर क्लिक कर दिया, अब मेरे पास ये बॉर्डर इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा सेल है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेरे पास एक्सेल के अंदर कॉलम्स और रो होती हैं। ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ वगैरह जो टाइप हुआ है हेडर पे, ये आपके पास कॉलम्स होते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन कंटिन्यू आप यहां पर नंबर्स देख रहे हैं, ये आपके पास आपकी रोज होती हैं। और जिस एरिया में आपको बॉर्डर नजर आ रहा होता है आपके पास, वो आपका सेल होता है। यानी कि रो और कॉलम की बीच वाली जगह को हम लोग सेल कहते हैं। अब मेरे पास जो कॉलम सिलेक्टेड है वो डी है, और मेरे पास जो मेरी रो सिलेक्टेड है वो मेरे पास टू है। और अब अगर आप देखें, ये दोनों ऑरेंज कलर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देखें, और इस तरह से आप इस जगह पर भी देखें, आपके पास इन दोनों के कलर्स भी आपको डिफरेंट कर रहे होंगे। इस तरह से अब अगर मैं यहां पे क्लिक कर दूं, तो देखा आपने, अब मेरे पास मेरा सेल ये रहा बी, और ये मेरे पास आ चुका है, फोर रो आ चुकी है। यानी कि आप कॉलम बी और रो कौन सी में हो, फोर में हो। इसी तरह से आप अगर आपने यहां पर देखें, मैंने जो आपको नेम बॉक्स बताया था शुरू के अंदर, तो ये नेम बॉक्स आपको यहाँ आपके सेल का एड्रेस देता है, आपको बता रहा होता है कि आप कौन से सेल के अंदर हो। तो इसने मुझे बता दिया आप जिस सेल पे, उसका एड्रेस देखें बिल्कुल आपके सामने वाजे तौर पर है बी फोर। अब अगर मैं यहां पर आ जाऊं, ये मेरे पास डी है, जी है, और मैं इसको यहां पे क्लिक कर देता हूं, तो चलें अभी हम इस कॉलम को नहीं देखते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या है, जी है, और यहां पर क्या है, फाइव है। तो मीन्स ये आपके पास कौन सा एड्रेस बना, जी फाइव बन चुका है। ये मैं आपको इसलिए स्टूडेंट्स बता रहा हूं क्योंकि जब हम आगे प्रैक्टिकली एक्सेल के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, हमें कई जगह पर अपने सेल के नाम को देना होगा। अब हमें जब तक पता नहीं है हमारे सेल का नाम क्या है, इसका नेम कहां से फाइंड आउट किया जाता है, तो हम काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। लेट से मैं ये चाहता हूं, मैं यहां पर कोई वर्ड टाइप कर देता हूं, मैंने यहां पर टाइप कर दिया एक्सपी अकेडमी। ठीक है, और मैं इस जगह पे हूं। अब हम देखते हैं एक्सपी अकेडमी का हमारे पास एड्रेस क्या बनेगा। देखें, यहां पे मेरे पास क्या है सेल, यहां पे कॉलम क्या है, सी है, और रो क्या है, थ्री है। तो मींस मेरे पास जो एड्रेस बनना है, ये मेरे पास एड्रेस इसका बन गया सी थ्री। तो आइए क्लिक करते हैं यहां पे, और अब यहां पे देखिएगा आप गौर से, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखा आपने सी थ्री आपके पास बन चुका है। तो मेरे पास एड्रेस बना है इसका सी थ्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन सेल्स के ऊपर जाना होता है। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं और चीजों की। देखें, जहां पे भी आपका ये बॉर्डर एरिया होता है, मींस आपका ये सिलेक्टेड सेल है, अब आप इसके अंदर कोई भी टाइपिंग कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर जो टाइपिंग करने जा रहा हूं वो कुछ ऐसा है, मैं यहां पर दूंगा अपनी एकेडमी का नाम दे देता हूं, मैं इसे कहता हूं एक्सपर्ट एकेडमी या एक्सपी एकेडमी, आप इसे कह सकते हैं एक्सपर्ट कंप्यूटर एकेडमी। देखिए मैं कुछ टाइप करता जा रहा हूं और ये मेरे पास आगे की तरफ निकलता हुआ जा रहा है।
अकेडमी, अकेडमी, और मैंने इसको दे दिया एक्सपर्ट कंप्यूटर अकेडमी पाकिस्तान कर देता हूं। अब ये मेरे पास इधर मेरा लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब डी स्टूडेंट्स आप देखें, जैसे मैं यहां पे अगेन क्लिक कर देता हूं, ठीक है, तो मेरा जो पार्डर है वो कुछ एन तक आ रहा है, यानी कि कंप्यूटर के CON, एम भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब उसके आगे अगर आप गौर करें, अगर मैं इसको यहां पे वापस नीचे क्लिक कर देता हूं, तो आपको मुकम्मल कंप्यूटर अकेडमी लिखा हुआ नजर आता है। अब ये क्या है बेसिकली, जब आप इधर वापस क्लिक कर दें, आपकी फॉर्मूला बार्स के अंदर जो कुछ भी इधर लिखा होगा सेल्स के अंदर, यहां पे जो होता है ये जो सेल आपका नेम बॉक्स होता है, इसमें क्या होता है, आपके पास सेल का नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाएं, आपके पास लिखा हुआ कंप्यूटर अकेडमी। अब ये क्या है, एक्सपर्ट कंप्यूटर अकेडमी पाकिस्तान। ये बेसिकली मेरे पास इस सेल के अंदर जो भी वर्डिंग लिखी हुई है वो मुझे यहां पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप देखें, जैसे मैं यहां पर आता हूं तो वो मेरे पास आगे तक की तरफ कंप्लीट नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही आप इसके दूसरे सेल पे क्लिक करते हैं या आप यहां पर क्लिक करते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हमने इस सेल्स के अंदर टाइप नहीं किया। अब एक्सेल के अंदर क्या होता है, जब आप कोई चीज टाइप कर रहे होते हैं वो खुद ब खुद आगे निकल जाती है, लेकिन डेफिनेटली यहां पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हम यहां पर टाइप करेंगे तो क्या होगा। इसको मैं अभी देखता हूं, मैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दूं, इसके बाद मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा www.xpacademy.com, ठीक है। अब मैं वापस, अब देखिए मैंने टाइप अपना अपना मैंने जो कुछ भी था टाइप कर दिया। अब आप इसे एंटर लगाओगे, जैसे मैंने इसको एंटर लगाया, ये देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास नीचे की तरफ आया सेल मेरा, ठीक है। आप जैसे भी इसे एंटर कर देते हो या आपके पास फौरन नीचे आ जाता है। ये बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन होती है एक्सेल की, जब आप इसे एंटर करें तो ये कहाँ जाए, ये ऑटोमेटिकली जो लिखा होता है ये डाउन होता है। हम इसकी पोजीशन को भी लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं, यानी कि जब हम एंटर करें तो हमारे पास ये नीचे ना आए, हमारे पास ये आगे की तरफ निकले, इस तरह से जब हम इसे एंटर करें तो नीचे ना जाए पीछे की तरफ निकले, ये तमाम चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो हमने इसके अंदर एक और वर्ड यहां पर टाइप कर दिया, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जब आप इसे एंटर कर देते हैं तो आपके पास ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है। आप इसे दाएं बाएं मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप अपने आप एरस की को यूज कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड पे देखें, जिधर आपके पास न्यूमेरिक नंबर लिखे होते हैं वहां पर आपके पास कुछ एरो बने होंगे, यानी कि आपके पास अप एरो है और डाउन एरो है। आइए देखते हैं अप एरो हमारे पास क्या करेगा। अप एरो से क्या होता है, आप देखें यहां से अप करते जाते हो या अप होता है, यहां से नीचे नीचे लाते हो तो आपके पास ये होता है, देखें अप एंड डाउन होता है। इस तरह से आप लेफ्ट से मूव करते हैं तो ये आपके पास लेफ्ट चलता है, राइट मूव करेंगे, सॉरी आप इसे राइट मूव करेंगे तो राइट वाला एरो चलेगा, लेफ्ट मूव करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ आता है, ठीक है। अब हम इधर कुछ और डेटा डाल देते हैं, यहां पे भी कुछ सब्जेक्ट के टाइप दे देता हूं। यहां पे सबसे पहले देता हूं मंथ, मैं इसे मंथ दे देता हूं। अब मुझे आगे की तरफ जाना है, ठीक है। जब आगे की तरफ आपको जाना है, अगर आप अपने कीबोर्ड से वापस एरो पर आकर इसे प्रेस करें तो ये आपके पास आगे चला जाएगा, ठीक है। अगर अपने माउस की मदद से आगे क्लिक करें तो ये आगे आ जाएगा, या अपने कीबोर्ड से टैब लगाएं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा आप टैब लगाएं, टैब लगाने से आप आगे की तरफ आते हो, ठीक है। अब यहां पर मैं से देता हूं जनवरी दे देता हूं। अब मैंने इसको सिंपल जनवरी दे दिया, चले मैं मई से स्टार्ट कर देता हूं, मैं से देता हूं मई, मैं से मई दे देता हूं, ठीक है। अब मुझे आगे की तरफ निकलना है तो मैं इसे कुछ और महीने इसके अंदर डाल देता हूँ। अब ये मैंने काम कैसे किया ये मैं आपको आइंदा वाले लेसन के अंदर बताऊंगा। अब इस तरह से वापस मैं इधर आ गया हूँ, यहाँ पे मैं अगर इसे इंटर लगा देता हूँ, देखिए ये मेरे पास नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं इसे सब्जेक्ट के नाम दे देता हूँ। यहाँ पर क्या है, मेरे पास ऑटो कैट है, फिर मैं इसे इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इसको इंटर किया है, और मैं इसे देता हूँ 3D Max दे देता हूँ, 3D Max मैंने इसको दे दिया है, फिर मैं इसे इंटर लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको 3D Max इंटर करने के बाद मैं इसे कोई और अपने सब्जेक्ट का नाम देता हूँ, मैं ऑफिस का नाम देता हूँ, MS ऑफिस कर देता हूँ, मैं इसे MS ऑफिस का मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। वापस मैं इसे एंटर लगा देता हूँ यहाँ से कीबोर्ड से, ठीक है, मैंने इसको एंटर लगा दिया है। और अब आप इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं इसको वेब का नाम दे देता हूँ वेब, और मैं अगर और मेरे मेरे पास मैंने इसको भी एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे बताता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो मई में जो स्टूडेंट्स आए हैं वो मेरे पास 12th थे। अब मुझे आगे जाना है, मैं टैब लगाऊंगा, ठीक है,
और मेरे पास फिर 12 थे, मेरे पास 45 थे, मेरे पास 3 था और कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे मेरे पास 2 स्टूडेंट्स आए। अब मुझे वापस नीचे आना है, तो वापस आप इधर आ जाएं, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अब मैं वापस अपने स्टार्ट पॉइंट पे आना चाहता हूँ, यानी कि मैं इस एरिए से जंप लगा के सीधा ऑटो कैड के ऊपर आना चाहता हूँ। अब यहाँ से आप इस तरफ कैसे जंप लगाएंगे? एक तो मेथड आपके पास, ये देखिए मैंने अपने हाथ में माउस लिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप सीधे इधर आ चुके हैं। क्योंकि जब आप काम करते हो आपके पास शॉर्टकट्स लाजमी होने चाहिए, आपको शॉर्टकट का मालूम लाजमी होना चाहिए कि आप शॉर्टकट के थ्रू कैसे आएंगे। तो अगर मैं इसको एरो के थ्रू दाएं बाएं लेके जाऊं, देखें चलता है, लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके एरो लगाऊं तो देखें फौरन ये पीछे की तरफ आ चुका है। तो देखें ये फौरन पीछे की तरफ आ गया। इसी तरह से वापस अगर आप कंट्रोल को प्रेस करके राइट वाला एरो प्रेस कर देते हो तो ये डेटा के आखिर में चला जाता है। अब अगर मैं वापस से चले वापस कंट्रोल प्रेस करके वापस में से अपने लेफ्ट की को प्रेस राइट की को प्रेस कर देता हूं, तो देखा ये आपके पास क्या हुआ, जो आपके पास एक्सेल का सबसे लास्ट वाला सेल आ रहा है, यानी कि हमारे पास रो नंबर 6 के अंदर जो सबसे लास्ट सेल आ रहा है ये मुझे वहां तक मूव करके लेकर जा रहा है। वापस आप कंट्रोल को प्रेस करें और अपने लेफ्ट एरो को लगाएं। जैसे मैंने लगाया, अब जहां पे मेरा सबसे, यानी कि इस तरह से जो मेरा सबसे लास्ट आइटम था, जहां पे मेरा डेटा टाइप हुआ था, मुझे वहां पर ये लेकर आ जाता है। ठीक है, अब वापस जब मैं इसे लगाऊंगा तो यहां से फिर सबसे लास्ट वाले आइटम के ऊपर आपको ये लेकर चला जाएगा। इसी तरह से आप यहां पे हो, आप नीचे आना चाहते हो, कंट्रोल और डाउन एरो लगाओ तो आपको देखें सबसे लास्ट वाले के ऊपर लेकर चला गया है। वापस आप कंट्रोल और आप एरो लगाएं तो देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्सपी अकेडमी, तो ये मुझे सबसे ऊपर लेकर चला जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ कीज होते हैं। इसी तरह से आप फर्ज करें आप इस जगह पे हो और आप जस्ट अपने कीबोर्ड से होम का बटन प्रेस कर देते हो। आप देखें बिल्कुल न्यूमेरिक की के साथ होम एक बटन बना होगा, उसके ऊपर लिखा होगा होम। जैसे मैं होम को प्रेस कर देता हूं तो देखें जिस रो में भी आप होते हैं आपको इसके स्टार्ट वाले पॉइंट पे लेके चला जाता है। ठीक है, अब देखें वापस मैं इधर हूं, अब मेरे पास की क्या है, 9, रो नंबर क्या है, 9 है, और सेल का नाम क्या है, आई है। मैं ये चाहता हूं मैं I1 के अंदर, I9 के अंदर जाना चाहता हूं। ठीक है, आई, तो जैसे मैं इसे होम लगा दूंगा तो देखा आपने आपके पास A9 के अंदर ये आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से वापस आप इधर हो, अब आप ये जाना चाहते हो, आप बिल्कुल यानी कि टॉप वाले सेल के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो अब आप कंट्रोल होम लगा दें। कंट्रोल होम से क्या होता है, जहां से आपने स्टार्ट किया हुआ है वहां पर आपको ये आपको लेकर ये चला जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंट्रोल एंड लगा देता हूं तो देखिए मेरे पास जो आखिरी सेल एक्टिव था वो ये था। देखिए कंट्रोल होम प्रेस करने से वापस आपको ऊपर लेकर चला जाएगा। फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करें और एंड को प्रेस कर दें, अब आपको यहां पर लेकर आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ टाइप कर देता हूँ, कंट्रोल होम लगा देता हूँ इधर, और वापस कंट्रोल प्लस एंड लगा दिया, देखें आखिरी सेल के अंदर आ जाएगा। अब फर्स्ट करें आपका आखिरी सेल यहाँ पे है। ठीक है, और कंट्रोल होम लगाएं ऊपर चला जाएगा, कंट्रोल एंड लगाएं तो नीचे आ जाएगा आपके पास। वापस कंट्रोल होम पर लगाएं, कंट्रोल एंड लगा दें, तो देखा आपके पास ये कंट्रोल होम से ऊपर जाएगा और एंड से वापस नीचे आ जाएगा। इस तरह से सिंपल आप इसे होम प्रेस करेंगे तो आपको इधर ये लेकर चला जाएगा और वापस आप इधर आ जाएं। तो ये मेरे पास क्या था, मैंने इसको आपको बताया आप अपने कीज को कैसे यूज करके आप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की तरफ आप निकलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा जब आपको कोई डेटा वगैरह डिलीट करना है किसी रो से, अब डेटा कैसे आप डिलीट करोगे, या अगर आप किसी डेटा की एडिटिंग करना चाहते हो तो वो आप कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखा है, एक्सपी अकेडमी, एक्सपी एक्सपर्ट कंप्यूटर अकेडमी पाकिस्तान या एक्सपी अकेडमी। अब यहाँ पे आप देखें मैंने आपको कहा मेरे पास एक सेल मैंने इसके अंदर टाइप किया था। अब जैसे मैं दूसरे सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो फार्मूला बार पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, जबकि आप यहाँ पर जाते हो यहाँ पर फार्मूला बार पे लिखा हुआ आपको दिखाई देता है, आपके पास यहाँ पर कुछ वैल्यू दिखाई देती है, यहाँ पे कुछ दिखाई देती है, जबकि सेल नंबर डी और 3 में देखें आप, D3 के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है, देखें यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है D3, लेकिन फिर भी आपको अगर आप देखें यहाँ पर मुकम्मल एक वर्डिंग लिखी हुई दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सेल आपको ऑटोमेटिकली इसको आगे ट्रांसपेरेंट करके दे देता है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं कुछ वर्डिंग टाइप कर देता हूँ, जैसे मैं इसको कुछ भी टाइप कर देता हूँ, मैंने कहा मैंने अपना नाम टाइप कर दिया और आप देखें अब मेरे पास वो एरिया छुप चुका है। इसी तरह से
आप यहां पर भी कुछ टाइप कर देंगे तो ये भी आपके पास छुप जाएगा। ये देखें, अब आपको ये आपका मुकम्मल कंफर्म नहीं हो रहा आपके पास ये क्या है, क्या वर्डिंग है, लेकिन हम इसको आइंदा वाले लेसन के अंदर देखेंगे इसको। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है आपके पास, अंडू और रीडू। ये तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर बेसिक्स होता है, अंडू रीडू को लाजमी यूज करना पड़ता है। आप इधर टॉप के ऊपर आ जाएं, आपके पास ये क्या है, अंडू है। आप इधर आ जाएं, आपके पास ये क्या है, रीडू है। अब अंडू से क्या होता है, मैंने यहां पर कुछ चेंजिंग की है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप अंडू के ऊपर क्लिक कर दें। देखें, जैसे जैसे मैं इसे अंडू करता जा रहा हूँ वैसे वैसे इसने अंडू किया है। आप रीडू को लाना चाहते हैं अगेन, आप यहाँ पे क्लिक कर दें, आप इसको रीडू कर रहे हो। इसकी शॉर्टकट आपके पास क्या है, कंट्रोल जेड, देखें, और कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई क्या करता है, आपके पास स्टेप वाइज आपके डेटा को अंडू या रीडू कर देता है। ठीक है, तो ये आपके पास अंडू और रीडू करने की ऑप्शन है। अब मैं ये चाहता हूं मेरे पास ये जो डेटा है इसमें से फर्स्ट कर लेते हैं मेरे पास ये जो है, या मैं इधर इधर आ जाता हूँ। अब इस डेटा को मैंने चेंज करना है, यहाँ पे वर्डिंग्स को मैंने चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको वेबसाइट्स करना चाहता हूँ। अब आप इधर आ जाएं, अब मैंने जस्ट अगर इसके ऊपर एक क्लिक किया हो, यानी कि आपके पास ये बॉर्डर है बोल्ड किस्म का। अब अगर यहाँ पर आप दोबारा से साइट टाइप कर देते हो तो ये देखा, अब क्या हुआ, वेब खत्म हो चुका है और साइट आपके पास लिखी हुई आ चुकी है। ठीक है, जबकि आपको इसी वर्ड के आगे अपने पास साइट्स वगैरह टाइप करना था। तो अब क्या करेंगे, आप इसके ऊपर आए, आप इसको डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक किया तो देखें बिल्कुल इसके एंड से ही जहां पर बी लिखा हुआ है वहां पे आपके पास कर्सर आपका ब्लिंक करने लग चुका है। अब अपने पास अपने टाइप कर सकते हैं। मैंने जैसे नई टाइपिंग किया मेरे पास हो गया, ये इसका एक मेथड है। दूसरा जो मेथड है, वापस आप इसके ऊपर क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं, शॉर्टकट है। F2 प्रेस करेंगे तो फिर भी क्या होगा, आपके पास ये एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से एक और मेथड है, आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, आप इधर आ जाएं ऊपर, जस्ट यहां पर आकर आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो भी इसके अंदर एडिटिंग होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की एडिटिंग भी कर सकते हैं। और किसी टेक्स्ट को डिलीट करना चाहें तो जस्ट उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप इसको डिलीट करेंगे तो आपके पास ये डिलीट हो जाएगा। क्लियर है, सही। तो अब वापस इधर आते हैं। अब देखिए डी स्टूडेंट्स, हम लोग करते क्या है, मेरे पास ये क्या है, 3D Max के अंदर अब मैं देखता हूँ मेरे पास कितने एडमिशन हो चुके हैं। मैंने कहा फर्ज करें मेरे पास मई में हुए 5 हुए हैं, और अब मुझे क्या करना पड़ता है, मैं इसे एंटर लगाता हूँ, क्योंकि हमें अक्सर एंटर की आदत बनी होती है कंप्यूटर के अंदर। कोई भी डेटा हम टाइप करके एंटर कर देते हैं, जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास डाउन मूव करता है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ पहले मैं 3D Max को क्लियर कर दूँ, फिर मैं ऑफिस को क्लियर कर दूँ, फिर मैं वेबसाइट्स को क्लियर कर दूँ। तो जब आप इधर आते हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, आप टैब भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो जब आप एंटर करें आपका सेल आगे की तरफ मूव करे, तो इसके लिए फिर आपको कुछ ऑप्शंस को चेंज करना होता है। इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, आपको फाइल मेन्यू के अंदर जाना होगा, यहां पे आपको ऑप्शंस के अंदर जाना होगा, और यहां पे आप एडवांस के अंदर चले जाएंगे, और यहां पे देखें क्या कहता है। सबसे पहली ऑप्शन है, कहता है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन क्या हो, ठीक है, डायरेक्शन बताओ इसको, डाउन हो, राइट हो, अप हो या लेफ्ट हो। तो मैं राइट जानब निकलना चाहता हूं, आप इसे राइट दे दें और ओके कर दें। अब आप इधर आए, आप ये टाइप जैसे इसको आपने एंटर किया तो देखें आपके पास ये आगे तरफ निकल आया है। तो ये आपके पास एक हैंडी वे होता है अपने, जब आपके पास कोई बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते हो, अपने डेटा को आपने कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो मैं इसे वापस इधर जाके ऑप्शंस के अंदर जाकर अगेन मैं इसको एडवांस में जाकर बाय डिफॉल्ट ही बैक कर आ जाता हूँ, क्योंकि हमें ज्यादातर यही बाय डिफॉल्ट चाहिए होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा लेसन। इसके अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताई हैं, चंद इन बेसिक्स के ही थ्रू हम आगे की तरफ निकलेंगे। अच्छा, यहां पर सॉरी एक चीज रह गई है मेरे पास, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन आप कैसे देते हैं, चलें इसको हम नेक्स्ट लेसन के अंदर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मजीद मालूम और डिटेल के साथ हाजिर होते हैं। मजीद मालूम और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको स्टेप बाय स्टेप्स फ्री ऑनलाइन कराए जाएंगे। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोज की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें अभी कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा ऑनलाइन हेल्प नंबर है 03439017779, या हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने के लिए हमारा आईडी है xpacademy। तो बस अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा,
नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस तक के लिए उसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।